नमस्कार एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है यह है क्लास सिक्स साइंस चैप्टर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली और सर्किट का मतलब है तारों का कुछ इस तरह जुड़ा होना कि उससे होके बिजली पास करे बिजली बहे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे वायर के वैसे कनेक्शन को हम सर्किट कहते हैं जिससे बिजली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर पाती है तो आइए इसके बारे में पढ़ें। फॉर मेनी पर्पेस टू मेक आर टास्क इजियर हम बिजली का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में करते हैं अपने कामों को आसान बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रूफ टॉप टैंक एग्जाम्पल के लिए हम बिजली का इस्तेमाल पंप को चलाने में करते हैं जो कि कुएं से या जमीन के अंदर से पानी को निकाल के हमारे छत पे रखी टंकी तक पहुंचाता है वट आर द अदर पर्पसेस फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी और भी किस काम के लिए आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं लिस्ट सम ऑफ योर नोटबुक तो वैसे काम जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता हो उसको आप अपने नोटबुक में लिखें, एक लिस्ट बनाएं। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग तो आपने अपने नोटबुक में जो भी लिस्ट बनाई है उसमें लाइटिंग के लिए बिजली के इस्तेमाल की बात है क्या इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आर होम्स रोड्स ऑफिस मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट तो बिजली की मदद से हम अपने घरों में रास्तों पे ऑफिस में बाजारों में फैक्ट्रीज में सूरज ढलने के बाद भी रोशनी कर पाते हैं दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट ये हमें रात में भी काम करने में मदद करता है अ पावर स्टेशन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसे हम इतने सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं ये कहा से आती है तो ये पावर स्टेशन से आती है हाउेवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस लेकिन बिजली की जो सप्लाई है वो कभी कभी फेल भी हो सकती है या फिर हर जगह पे बिजली उपलब्ध नहीं भी हो सकती है इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज प्रोवाइडिंग लाइट तो ऐसे कुछ सिचुएशन में टॉर्च का इस्तेमाल होता है लाइट प्रोवाइड करने के लिए रोशनी प्रोवाइड करने के लिए अ टॉर्च हैज बल्ब दैट लाइट्स अप वेन इट इज स्विच ऑन तो टॉर्च के अंदर एक बल्ब लगा होता है जो कि जल उठता है जब हम टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं वेयर डज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम तो टॉर्च को बिजली कहां से मिलती है 12.1 पॉइंट वन इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाई द इलेक्ट्रिक सेल तो टॉर्च में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एक इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा एक बैटरी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूजरी का इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल अलार्म इस क्लॉक में कलाई की घड़ी में रेडियोज में और कैमराज में भी होता है लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल तो आपने कभी एक इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा है you might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal disc on other side आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रिक सेल के ऊपरी हिस्से पे एक मेटल का कैप होता है मेटल की एक टोपी नुमा स्ट्रक्चर होता है और इसके निचले हिस्से में एक डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर होता है did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell तो आप इलेक्ट्रिक सेल पे यह भी नोटिस करेंगे कि इसके कैप वाले सिरे पे पॉजिटिव साइन मार्क्ड होता है और डिस्क वाले सिरे पे नेगेटिव साइन मार्क्ड होता है द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल तो जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और डिस्क वाला नेगेटिव टर्मिनल है इस प्लस वाले सिरे को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और माइनस वाले सिरे को हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इन साइड इट तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स रहते हैं जिससे इलेक्ट्रिक सेल बिजली प्रोड्यूस करता है वेन द केमिकल इन द बैटरी सेल आर यूज द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी तो जब बैटरी के अंदर का केमिकल खत्म हो जाता है तो बैटरी बिजली प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है यू माइट है डेंजर साइन सोन हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स इलेक्ट्रिक substances, एंड मेनी अदर प्लेसेस इस तरह का एक कॉशन, एक डेंजर का सिंबल आपने बिजली के खंभों पे और भी कुछ बिजली के उपकरणों पे देखा होगा इट इज टू वन पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली ये लोगों को चेतावनी देने के लिए होता है कि बिजली खतरनाक हो सकती है अगर इसे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो अगर इसे सावधानी से हैंडल नहीं किया गया तो बिजली खतरनाक भी हो सकती है केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कॉज सीवियस इंजरीज एंड समाइम्स इवेंट डेथ अगर आप बिजली के डिवाइसेस को सावधानी से हैंडल नहीं करेंगे तो ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है और कभी कभी तो इससे मौत भी हो जाती है इसीलिए आपको बिजली के तारों से और बिजली के सॉकेट्स के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए ऑल्सो रिमेम्बर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस और बिजली के तार में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और पोर्टेबल जनरेटर्स के द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है दोनों बराबर रूप से खतरनाक हैं पोर्टेबल जनरेटर्स मतलब वैसे जनरेटर जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसमें आप केवल इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करेंगे बैटरी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बैटरी से जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो काफी कम होती है और उससे हमें इस तरह का खतरा नहीं होता एटलीस्ट इस छोटी वाली बैटरी से तो नहीं होता द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन तो अभी जब बैटरी के अंदर का केमिकल खत्म हो गया तो बैटरी ने काम करना बंद कर दिया तो हमें एक नई बैटरी से उसे रिप्लेस करना पड़ेगा मान लेते हैं कि अगर बैटरी टॉर्च में लगी थी तो हमें टॉर्च में नई बैटरी लगानी पड़ेगी या फिर अगर बैटरी रेडियो में लगी थी तो हमें उसमें एक नई बैटरी लगानी पड़ेगी अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्सड ऑन अ मेटालिक बेस तो टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा होता है उसके बाहरी हिस्से पे इस तरह एक शीशे का कवर होता है जो कि इस मेटल के बेस के ऊपर रखा होता है मतलब ये जो ढांचा है नीचे वाला ये मेटल का है और ये शीशा है वट इज इन साइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब तो ये जो बल्ब के शीशे वाला हिस्सा है इसके अंदर क्या होता है तो इसके अंदर फिलामेंट होता है जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है एक्टिविटी वन टेक अ टॉर्च एंड लुक इन साइड इट्स बल्ब एक टॉर्च लीजिए और उसके बल्ब के अंदर देखें यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ यूर टीचर आप अपने टीचर की मदद से टॉर्च का बल्ब निकाल भी सकते हैं वट डू यू नोटिस आपको क्या दिखता है डू यू फाइंड वायर फिक मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब तो आपको टॉर्च के बल्ब के अंदर एक पतला वायर दिखेगा जिसे हम फिलाेंट कहते हैं और टॉर्च जब जलती है तो वास्तव में यही वायर जल रहा होता है और यही लाइट प्रोड्यूस करता है नाउ स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग अब आप टॉर्च को जलाएं और नोटिस करें कि कौन सा पार्ट जल रहा है द थिन वायर दैट गिवस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब तो वो पतला वायर जो कि लाइट देता हो एक टॉर्च बल्ब के अंदर उसे हम उस बल्ब का फिलामेंट कहते हैं द फिलेंट इज फिक्सड टू टू थिकर वायर्स विच ऑ ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट तो ये जो फिलाेंट है ये दो मोटे वायर्स के ऊपर लगा हुआ है इस तरह और ये जो दो मोटे वायर है इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं वन ऑफ दिस थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब द अदर्थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट सेंटर ऑफ द बेस तो बल्ब का बेस ये रहा ये पूरा मेटल वाला सिरा तो ये जो दो मोटे वायर्स हैं इसमें से एक वायर इस मेटल के पूरे एक बेस से कहीं कनेक्टेड होता है और जो दूसरा है वो इसके इस टिप से कनेक्टेड होता है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है एक वायर इस मेटल केस से कनेक्टेड है और दूसरा वायर इसके इस नीचे वाले टिप से कनेक्टेड है और इन दोनों चीज को हम बल्ब का टर्मिनल कहते हैं तो अगर हम बल्ब के टर्मिनल को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ें तो बल्ब जल उठेगा द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि ये जो मेटल केस है बल्ब का ये एक टर्मिनल होता है और ये जो मेटल केस का टिप है ये दूसरा टर्मिनल होता है दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्सड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर तो ये जो दो टिप हैं कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करें द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव अलर डिजाइन तो हमारे घरों में जो बिजली का बल्ब इस्तेमाल होता है उसमें भी कुछ इसी तरह का अरेन्जमेंट होता है दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ई वाई डू दे और हमने बल्ब में भी देखा कि इसके भी दो टर्मिनल हैं ऑल दो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है बताया नहीं गया बट फिर भी इतना तो है कि दो टर्मिनल हैं और बैटरी का भी दो टर्मिनल है तो ये दोनों टर्मिनल को बैटरी के दो टर्मिनल को और बल्ब के दो टर्मिनल को अगर हम कनेक्ट कर दें तो बल्ब जल उठता है तो इसीलिए ये दो टर्मिनल होते हैं अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल तो अभी हम इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब को कनेक्ट करेंगे लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल आइए एक बल्ब को जलाते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल की मदद से एक बैटरी की मदद से हाउ डू वी डू दैट तो अब इसे कैसे करेंगे एक्टिविटी टू टेक फोर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स तो तार के चार टुकड़े लेने हैं आपको जिनके प्लास्टिक के कवर का रंग अलग अलग हो रिमूव अ लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स तो हमें वायर के ऊपर का जो प्लास्टिक कवरिंग है वो इस तरह से इनके सिरे से हटाना है हमने चार टुकड़े लिए थे तो पहले वाले टुकड़े के शुरुआत से और इसके अंत से थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक कवरिंग हटा लेंगे और यही काम सारे वायर्स के साथ करेंगे दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड ऑफ ईच लेंथ तो तार के हर टुकड़े से जब हम इस तरह से प्लास्टिक कवरिंग हटा देंगे तो हमें तार के अंदर का मेटल दिखाई देगा फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ टू वायर्स टू द सेल एंड अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 पॉइंट थ्री एंड ट्वेल्व तो हमने जो तार के चार टुकड़े लिए हैं उसमें से दो टुकड़ों को इस तरह बैटरी से लगा देंगे और दो टुकड़ों को इस तरह बल्ब से लगा देंगे यू कैन स्टिक द वायरस टू द बल्ब विथ द टेप यूज बाय इलेक्ट्रीशियंस आप इस तार को बल्ब से लगाने के लिए इलेक्ट्रिक टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रीशियंस के द्वारा यूज किया जाता है बिजली वाली टेप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तार को इस बल्ब से लगाए रखने के लिए यूज रबर बैंड और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल और बैटरी से वायर को लगाने के लिए आप रबर बैंड या फिर इलेक्ट्रिक टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विथ दो अटैच टू द सेल इन सिक्स डिफरेंट वेज एज हेज बिन शोन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव एट टू एफ अब जो वायर और इलेक्ट्रिक शेल हमने तैयार किया है उसके दोनों सिरे को हम इन सभी तरीकों से जोड़ के देखेंगे फॉर ईच अरेन्जमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोव और नॉट तो इन सभी अरेन्जमेंट में अब हमें पता करना है कि किस में बल्ब जल रहा है और किस में नहीं जल रहा है और अगर नहीं जल रहा है तो क्या कारण है कि नहीं जल रहा है तो आइए देखें तो यह है हमारा ए इसमें हमने डायरेक्टली दोनों ही वायर को कनेक्ट कर दिया है तो हमारा बल्ब जल उठा अगली बार यह बल्ब बी वाले फिगर में नहीं जल रहा है क्यों नहीं जल रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे दोनों वायर कनेक्टेड नहीं है है ना पहले वाले फिगर में बल्ब का दोनों टर्मिनल बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड था इसलिए बल्ब जल रहा था इसमें बल्ब का दोनों टर्मिनल बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वायर्स जुड़े नहीं हैं इसलिए ये बल्ब हमारा नहीं जल रहा है सिमिलरली पिक्चर सी में यहाँ पे ये दोनों वायर नहीं जुड़े हैं उसी तरह पिक्चर डी में ये दोनों वायर एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं बैटरी के इसलिए बल्ब हमारा नहीं जलेगा हमें बल्ब के दोनों टर्मिनल को बैटरी के अलग अलग टर्मिनल से जोड़ना होता है तभी बल्ब जल पाता है और इस वाले फिगर में भी वही बात है कि बल्ब का दो टर्मिनल बैटरी के एक ही टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और इस वाले फिगर में बैटरी का दो अलग अलग टर्मिनल बल्ब के दोनों अलग अलग टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं बल्ब यहां भी जल रहा है राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक तो अगर बल्ब जलता है तो आप यस लिखेंगे और अगर बल्ब नहीं जलता है तो आप नो लिखेंगे नाउ केयरफुली लुक एट द अरेजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज तो वैसे अरेन्जमेंट जिसमें बल्ब जल रहा है उन्हें ध्यान पूर्वक देखें कॉम्पेयर दीज विथ दो इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो अब जिसमें बल्ब नहीं जला उससे उसका कंपेयर करेंगे जिसमें बल्ब जल रहा है कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंस तो बल्ब क्यों नहीं जला है इसका रीजन आप पता करेंगे कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द सेल फॉर अरेंजमेंट इन फिगर 12.5 पॉइंट फाइव ए मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द वायर कनेक्टेड टू द सेल तो कहा जा रहा है कि आप बैटरी के एक टर्मिनल से पेंसिल से लेकर यहाँ बल्ब के इस टर्मिनल तक पहुंचे और उसी तरह बैटरी के दूसरे टर्मिनल से पेंसिल लेकर यहां से बल्ब के इस टर्मिनल तक पहुंचे तो जब वायर कनेक्टेड नहीं होगा तो आप बैटरी के इस टर्मिनल से बल्ब के इस टर्मिनल तक पेंसिल से नहीं पहुंच पाएंगे डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर तो वैसे अरेंजमेंट में बल्ब नहीं जलेगा जिसमें आप पेंसिल एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंचा पाए 12.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये जानेंगे इन एक्टिविटी टू यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू टर्मिनल थ्रो वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब तो एक्टिविटी टू में हमने बैटरी के एक टर्मिनल से बल्ब के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया था और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट किया था नाउ दैट इन अरेंजमेंट शोन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव ए एंड F, द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब तो फिगर 12.5 ए में बैटरी का एक टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी का दूसरा टर्मिनल बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है और सिमिलरली फिगर 12.5 पॉइंट एफ में भी है कि बैटरी का एक टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है और बैटरी का दूसरा टर्मिनल बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है और यही कारण है कि इन दोनों में बल्ब जल रहा है सच एन अरेन्जमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और ऐसा ही एक अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है और जब बल्ब जल उठा तो हम कहते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट है द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास करेंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इससे होकर बिजली बैटरी के एक सिरे से बैटरी के दूसरे सिरे तक पहुंच सकती है और जब भी ऐसा होता है तो इन वायर्स में करंट फ्लो करता है जिसके कारण ये बल्ब जलता है द बल्ब ग्लोज ओनली वेन करेंट फ्लोज थ्रू द सर्किट और बल्ब तभी जलता है जब इन वायर से होकर करेंट फ्लो करेगा और करेंट कब फ्लो करेगा जब बैटरी का ये सिरा बल्ब के थ्रू बैटरी के दूसरे सिरे से कनेक्टेड हो आप अगर बिना बल्ब के कनेक्ट कर देंगे फिर भी करेंट फ्लो करेगा लेकिन आपकी बैटरी मुफ्त में डिस्चार्ज होती जाएगी और आपको कोई आउटकम नहीं मिलेगा लेकिन करंट तब भी फ्लो करेगा अभी उसी सर्किट के बीच में हमने एक बल्ब लगा दिया है तो ये बल्ब हमारा जल रहा है और यह सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो कर रहा है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 12.6 तो ये जो कैप वाला सिरा है ये पॉजिटिव होता है और डिस्क वाला सिरा नेगेटिव होता है और करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कुछ इस तरह होता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बाई वायरस द करेंट पास थ्रू द फिल्मेंट ऑफ द बल्ब दिस मेक्स द बल्ब ग्लो अब करेंट अगर यहां से चला तो ये करेंट इस बल्ब के फिलामेंट से होके गुजरा जिससे ये फिलाेंट जल उठा अगर ये दो टर्मिनल कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये करेंट फ्लो ही नहीं करेगा और बैटरी के फिलामेंट तक वो नहीं पहुंच पाएगा और बल्ब हमारा नहीं जलेगा समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सब कुछ सही कर रखा है बल्ब को बैटरी से प्रॉपरली कनेक्ट कर रखा है फिर भी बल्ब नहीं जलता तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि आपका बल्ब फ्यूज्ड हो दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज लुक एट अ फ्यूज बल्ब केयरफुली इज द फिल्मेंट इन साइड इट इंटैक्ट तो अगर आप एक फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि फ्यूज बल्ब का फिलामेंट टूटा हुआ होगा और अगर फिलामेंट टूटा हुआ है इसका मतलब ये जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है बैटरी का एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं जुड़ा है और करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो बल्ब आपका नहीं जलेगा फ्यूज केसेस में जब आपका बल्ब फ्यूज होता है तो वो नहीं जलता, तो इसका ये कारण है एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन एक इलेक्ट्रिक बल्ब बहुत कारणों से फ्यूज हो सकता है वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन फिलामेंट बल्ब के फ्यूज होने का एक कारण है कि बल्ब का फिलामेंट टूट जाए अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ करेंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल बल्ब का फिलामेंट अगर टूटा हुआ है और हमने बल्ब को एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया है इसका मतलब जो सर्किट बनी है वो पूरी नहीं है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि फिलामेंट टूटा हुआ है इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब नहीं जलेगा देयर फोर अड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो इसीलिए पास फ्यूज बल्ब नहीं जलता है क्योंकि उसके फिलामेंट से होके कोई करंट पास नहीं करता। बल्ब डिड नॉट ग्लो वेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेन्जमेंट शोन इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट फाइव बी सी डी एंड ई तो 12.5 पॉइंट फाइव बी सी डी और ई e में सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है सी और बी के केस में एटलीस्ट तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है यहां ये टूटा यह हुआ है और यहाँ पे टूटा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं करेगा और ये बल्ब नहीं चलेगा फिलामेंट से होकर करंट पास नहीं करेगा और दूसरे वाले केसेस में बल्ब के दोनों ही टर्मिनल को बैटरी के एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया है तो करंट तब भी फ्लो नहीं करता करंट तभी फ्लो करता है जब बैटरी का एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड हो यहाँ दोनों को ही इसने एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा अगले में भी सेम केस है इसने भी बल्ब के दोनों ही टर्मिनल को बैटरी के एक ही टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है यहां भी करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये सब कारण थे कि के इन केसेस में बल्ब नहीं जला नाउ विनो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अपन इलेक्ट्रिक सेल वु यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ तो अब आपको पता है की बैटरी का इस्तेमाल करके बल्ब कैसे जलाना है तो क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना चाहेंगे एक्टिविटी थ्री टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर एक टॉर्च के बल्ब को ले और एक तार का टुकड़ा लें रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर वायर की प्लास्टिक कवरिंग को दोनों ही सिरों से हटा दे जैसा कि आपने पहले किया है रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 12.7। बैटरी के बेस से वायर के इस सिरे को इस तरह लगा दें फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल विथ अ रबर बैंड रबर बैंड की मदद से इस तरह इस वायर को यहां लगा दें नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल तो बल्ब के बारे में हम जानते हैं कि बल्ब का जो दो टर्मिनल है एक टर्मिनल इस मेटल बेस में होता है और दूसरा टर्मिनल इसके मेटल के टिप पे होता है नीचे की तरफ तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने इसके मेटल बेस से सटा रखा है और इसके मेटल बेस के टिप को हम बैटरी के इस कैप वाले सिरे पे अगर टच कराएंगे तो बल्ब हमारा जल उठेगा क्योंकि बैटरी का दोनों ही टर्मिनल बल्ब के दोनों ही टर्मिनल से अलग अलग कनेक्टेड है डज द बल्ब ग्लो तो हाँ, बल्ब ग्लो करेगा पहेली अनदर अरेन्जमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेजमेंट तो अगर पहेली ने कुछ अलग अरेंजमेंट किया है अगर उसका सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब जलेगा नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द बल्ब रिमेन लाइटेड तो अगर आप बल्ब को बैटरी से ऊपर उठाएंगे तो बल्ब जलना बंद हो जाएगा क्योंकि अभी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक करंट नहीं पहुंच रहा है मतलब वो दोनों सिरे कनेक्टेड नहीं है तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा इज दिस नॉट सिमिलर टू वट यू डू वेन यू स्विच यो टॉर्च ऑन और ऑफ तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप अपने टॉर्च को ऑन या ऑफ करते हैं 12.4 इलेक्ट्रिक स्विच वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आर होम मेड टॉर्च बाई मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल तो ये जो हमने होममेड बल्ब बनाया था इसमें हमारे पास एक फैसिलिटी थी कि हम इस बल्ब को ऊपर उठा के इसे ऑफ कर सकते थे और इस बल्ब को बैटरी के टिप पे सटा के इसे ऑन कर सकते थे दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी ईजी टू यूज़ ये एक स्विच की तरह काम कर रहा था लेकिन इस स्विच को यूज़ करना आसान नहीं था वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आर सर्किट हम इससे भी एक आसान स्विच बना सकते हैं जिसे हम अपनी सर्किट में इस्तेमाल करेंगे एक्टिविटी फोर यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग टू ड्रॉइंग पिन तो ये दो यहाँ पिक्चर में दिखाए गए हैं दो ड्रॉइंग पिन एक सेफ्टी पिन और यहाँ एक सेफ्टी पिन है और अ पेपर क्लिप और सेफ्टी पिन की जगह आप एक पेपर क्लिप भी ले सकते हैं टू वायर्स दो तार लगेंगे आपको एंड अ शीट ऑफ थर्मोकॉल और अ वुडन बोर्ड इस तरह का एक थर्मोकॉल या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा भी चलेगा इस एक्टिविटी को करने के लिए इंसर्ट ड्रॉइंग पिन इन टू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकॉल तो एक एंड में सेफ्टी पिन के होल में आप ड्रॉइंग पिन को इंसर्ट करके इस तरह इस थर्मोकॉल पे लगा देंगे मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेफ्टी पिन आसानी से घूम सकती हो नाउ फिक्स द अदर ड्रॉइंग पिन ऑन द थर्मोकॉल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट और आप दूसरे ड्राइंग पिन को थर्मोकॉल पे कुछ इस तरह लगाएंगे कि सेफ्टी पिन इस ड्राइंग पिन को रोटेट होके टच कर सके द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी और इस तरह से फिट किया हुआ सेफ्टी पिन इस एक्टिविटी में हमारे लिए स्विच का काम करेगा और ये जो पूरा पैरेटस है ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है एक स्विच के साथ जो कि हमने सेफ्टी पिन और ड्राइंग पिन के मदद से बनाया है नाउ मेक अ सर्किट बाई तो इस सर्किट को कम्प्लीट करने के लिए हम इसमें बैटरी और बल्ब इस तरह से लगाएंगे रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेज द अदर ड्रॉइंग पिन अब इस सेफ्टी पिन को हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे ताकि ये दूसरे वाले ड्राइंग पिन को टच करे और सर्किट कंप्लीट हो वट डू यू ऑब्जर्व आपको क्या दिखाई दिया है तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो जो ये हमारा बल्ब है वो जल उठेगा नाउ द सेफ्टी पिन नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे अब जब बल्ब जल उठा तो आप सेफ्टी पिन को पीछे की तरफ खींचें डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो तो जब ये सेफ्टी पिन पीछे को जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा हमारा और बैटरी के इस सिरे से इस सिरे तक करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है और बल्ब हमारा ग्लो करना बंद कर देगा सेफ्टी पिन कवर्ड द द गैप बिटवीन यू मेड इट टच टू ऑफ देम तो इन दो drawing pins के बीच में जो गैप था उसे सेफ्टी पिन ने कवर किया भरा और जब हम इसे दूर ले गए तो ये गैप वापस से आ गया जिससे सर्किट टूट गया और ये जो पूरा पेरेटस है हमारे लिए एक स्विच की तरह काम कर रहा है इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन तो जब ये सेफ्टी पिन दोनों ही ड्राइंग पिन को टच कर रही हो तो इस पोजिशन को हम ऑन वाला पोजिशन कहते हैं सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करेंट टू पास थ्रू इट द सर्किट वॉज कम्पलीट हिंस द बल्ब ग्लोव तो सेफ्टी पिन हमारा एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ है जो कि करंट को अपने से होके पास करने देता है और इसी कारण हमारा जो बैटरी और बल्ब से मिलकर बना हुआ सर्किट है वो कंप्लीट हो सका था और बल्ब जल सका था जब सेफ्टी पिन दोनों ही ड्राइंग पिन को टच कर रहा था तब ऑन द अदर हैंड बल्ब डिड नॉट ग्लो सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच विद द अदर ड्रॉइंग पिन और जब सेफ्टी पिन दूसरे ड्राइंग पिन के टच में नहीं था तब बल्ब हमारा नहीं जल रहा था द सर्किट वॉज नॉट कम्प्लीट एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द टू ड्रॉइंग पिन तो जब सेफ्टी पिन दूसरे ड्राइंग पिन से दूर था तब दोनों ही ड्राइंग पिन के बीच में गैप था और हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं था इसलिए उस केस में बल्ब नहीं जल रहा था इन दिस पोजिशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ एज एन फिगर ट्वेल्व पॉइंट नाइन तो जैसा कि ट्वेल्व पॉइंट नाइन में दिखाया गया है इस वाले पोजिशन में हमारा स्विच ऑफ है और इस वाले पोजिशन में हमारा स्विच ऑन है अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इधर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट स्विच एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि या तो हमारे सर्किट को तोड़ देता है या फिर उसे पूरा करता है तो जब सर्किट टूटा हुआ होता है तो जो भी अप्लायसेस उस सर्किट से कनेक्टेड होते हैं हमारे केस में एक बल्ब था वो काम नहीं कर रहा था बल्ब नहीं जल रहा था और जब सर्किट कंप्लीट होता है तब जो भी अप्लायसेस लगे होते हैं वो अप्लायसेस चल पड़ते हैं हमारे केस में बल्ब जल उठा था द स्विचेस यूज इन लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑल दो देर डिजाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स तो हमारे घरों में जो भी स्विच लगे होते हैं या तो बल्ब जलाने वाले स्विच हों या फिर दूसरे उपकरणों को दूसरे अप्लायसेज को चलाने वाले स्विच हों तो उनमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है लेकिन उनका डिज़ाइन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है हमारे ड्रॉइंग पिन और सेफ्टी पिन से उनका डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है 12.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनके थ्रू जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके और इंसुलेटर वैसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनके थ्रू जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सके इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सके इन ऑल आवर एक्टिविटीज वी हैव यूज्ड मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट हमने इससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज करी हैं उसमें हमने मेटल वायर का इस्तेमाल किया है मेटल के तार का इस्तेमाल किया है सपोज वी यूज अ कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट अगर हम मेटल वायर की जगह एक कॉटन थ्रेड का इस्तेमाल करें रुई के धागे का इस्तेमाल करें तो आपको लगता है कि बल्ब हमारा जलेगा तो नहीं जलेगा क्योंकि मेटल वायर जो है वो हमारा कंडक्टर है मेटल वायर से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और जो कॉटन थ्रेड है वो इंसुलेटर है उससे होकर धागे से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है तो इसीलिए अगर हम कॉटन थ्रेड से धागे से अगर सर्किट बनाएंगे तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा वट मटेरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करेंट कैन पास थ्रो दम तो इलेक्ट्रिक सर्किट में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है

इस बीच में से हमने अपना स्विच वाला पैरेटस हटा दिया है तो हमारे पास दो वायर के एंड्स बचे हैं अगर हम इन्हें आपस में जोड़ दें तो हमारा बल्ब जल उठेगा ब्रिंग द द फ्री एंड ऑफ टू टू क्लोज लेट टच ईच अदर डज द बल्ब लाइट अप अगर आप इन दोनों को पास में लाके सटाएं तो बल्ब आपका जलेगा यू कैन नाउ यूज दिस अरेजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करेंट टू पास थ्रू इट और नॉट तो अब आप इस अरेंजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को टेस्ट करने के लिए कि उससे होके इलेक्ट्रिसिटी पास करती है कि नहीं करती है जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है इन्होंने एक चाबी का इस्तेमाल किया है तो चाबी के एक एंड पे इन्होंने वायर का एक एंड ऐसे टच कराया और दूसरे एंड पे वायर का दूसरा एंड और हमने देखा कि बल्ब जल उठा है इसका मतलब है कि चाबी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल सच कॉइन्स कॉर्क रबर ग्लास कीज़ पिन प्लास्टिक स्केल वुडन ब्लॉक पेंसिल लीड एल्यूमिनियम फॉयल कैंडल स्विंग निडल थर्मोकॉल पेपर एंड पेंसिल लीड तो ये सारे सैम्पल्स आपको कलेक्ट करने हैं और इस अपेरेटस में टेस्ट करना है कि किससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है और किससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही जैसे कि अगर आप क्वाइन टेस्ट करना चाहते हो तो चाबी की जगह आप यहाँ पे क्वाइन रखेंगे और क्वाइन के एक एंड पे आप ये वाला वायर टच कराएंगे दूसरे एंड पे ये वाला वायर टच कराएंगे और आप पाएंगे कि बल्ब जलेगा तो ऐसे ही आप सारे मटेरियल से इस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विथ टू एंड्स ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड तो इस अप को अभी हम टेस्टर बोल रहे हैं और जो भी सैंपल हमने कलेक्ट किया है लेट्स से एक मेटल कॉइन कलेक्ट किया है हमने रबर एज ए सैंपल कलेक्ट किया है तो अभी अपने कलेक्टेड सैंपल को हम यहाँ पे रखेंगे और टेस्ट करेंगे कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है कि नहीं कर रही मेक श्योर दैट टू वायर्स डू नॉट टच ईच अदर वाइल्ड यू आर डूइंग सो आप इस बात का ध्यान रखें कि वायर का ये दो एंड आपस में टच ना करे क्योंकि अगर ये दो एंड टच कर जाएंगे तो एनी वेज बल्ब जल ही जाएगा तो फिर आप अपने सैम्पल को टेस्ट नहीं कर पाएंगे डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस तो क्या हर केस में सारे सैंपल के केस में बल्ब जला तो सारे केस में बल्ब नहीं जलेगा कारण है कि इन सैंपल्स में से कुछ ऐसे हैं जो कंडक्टर हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और कुछ ऐसे हैं जिनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है तो जो कंडक्टर्स हैं अगर आप उनको टेस्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा और जब आप इंसुलेटर्स को टेस्ट करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन तो जैसा यहाँ टेबल 12.1 है इसमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर का एक लिस्ट बनाया हुआ है और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस चीज़ से बने हैं किस मटेरियल से बने हैं वो लिखा हुआ है और हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं वो लिखा हुआ है जैसे कि अगर आप चाबी की बात करें की की बात करें तो वो मेटल से बना हुआ है इसलिए बल्ब जल रहा है अगर हम इरेजर की बात करें तो वो रबर से बना है और बल्ब नहीं जल रहा है स्केल की बात करें तो वो प्लास्टिक से बना है और बल्ब नहीं जल रहा है मैचस्टिक वुड से बना है और बल्ब नहीं जल रहा है ग्लास बैंगल जो चूड़ी है वो ग्लास से बनी है और बल्ब नहीं जल रहा है आयरन नेल मेटल से बना है और बल्ब जल रहा है तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ भी मटेरियल मेटल है वहाँ बल्ब जल रहा है और जहाँ भी मटेरियल मेटल नहीं है वहाँ बल्ब नहीं जल रहा है तो हम कह सकते हैं कि जितने भी मेटल हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स जैसे कि रबर प्लास्टिक वुड ग्लास ये सारे इंसुलेटर्स हैं वट डू यू फाइंड तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा मैंने यहाँ पे लिख रखा है द बल्ब डज नॉट ग्लो वेन द फ्री एंड ऑफ द टू वायर आर इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड तो कुछ केसेस में बल्ब नहीं जला दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू दम तो इसका ये मतलब है कि ये जितने भी मटेरियल्स हैं जहाँ पे नो लिखा हुआ है उन्होंने

इंसुलेटर्स डो नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रो दिम और इंसुलेटर्स वैसे मटेरियल्स हैं जिनसे होके इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1, पॉइंट वन नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दो विच आर इंसुलेटर्स तो टेबल 12.1 की मदद से हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स का नाम बताना है जो कि कंडक्टर्स हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स का नाम बताना है जो कि इंसुलेटर्स हैं तो वह सारे जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स हैं और इंसुलेटर्स ग्लास है वुड है रबर है तो ये सब इंसुलेटर हैं आप गौर करेंगे कि मैंने कहा कि वो सारे जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं बट मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो सारे जो मेटल नहीं हैं वो इंसुलेटर हैं है ना तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो मेटल नहीं है फिर भी कंडक्टर हैं जैसे कि इमप्योर वाटर और हमारी बॉडी तो ये सब भी कंडक्टर हैं तो इंसुलेटर ग्लास हो सकता है वुड हो सकता है रबर हो सकता है प्लास्टिक हो सकता है एंड योर लिस्ट गोज ऑन वट डू यू कंक्लूड विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स एंड आर इंसुलेटर्स तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप टेज दो लस्टर इन चैप्टर फोर तो चैप्टर फोर में हमने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया था जिसमें लश्चर था चमक थी आर दे द कंडक्टर्स तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें लश्चर हो वो मेटल्स होते हैं जनरली तो यहाँ पे जिन्हें कंडक्टर्स बताया जा रहा है वो ऑलमोस्ट वही हैं इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है बिजली की तारों को बनाने के लिए क्योंकि वे कंडक्टर्स हैं और उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है रिकॉल एक्टिविटी फोर इन विच वी मेड अ इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच फिगर 12.9 यह फिगर 12.9 पे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक स्विच के साथ बनाया था व्हेन द स्विच वाज़ इन ओपन पोजीशन वर द टू ड्राइंग पिन नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू द थर्मोकॉल शीट तो जब स्विच ओपन पोजिशन में थी जब सेफ्टी पिन हमारे दोनों ही ड्रॉइंग पिन को टच नहीं कर रहा था तब क्या दोनों ड्राइंग पिन के बीच में कुछ भी नहीं था तो दोनों ड्राइंग पिन के बीच में था वो थर्मोकॉल था और थर्मोकॉल इंसुलेटर है थर्मोकॉल से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रही थी जिस कारण हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था और जैसे ही हमने सेफ्टी पिन को दूसरे ड्रॉइंग पिन के साथ टच कराया सेफ्टी पिन से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करी और हमारा बल्ब ग्लो किया बट द थर्मोकॉल यू मे हैव फाउंड इज एन इंसुलेटर थर्मोकॉल एक इंसुलेटर है इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती वट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप अब दो ड्राॅइंग पिनस के बीच में एयर भी तो था सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो वेन देर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्राॅइंग पिन इन योर स्विच इट मीन्स दैट एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर तो दोनों ही ड्राॅइंग पिन के बीच में जब केवल एयर था केवल हवा थी तब भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था इसका ये मतलब है कि एयर भी हमारा इंसुलेटर है एयर से होके भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर हमारे लिए कंडक्टर भी जरूरी हैं और इंसुलेटर्स भी जरूरी हैं स्विचेस इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स स्विच इलेक्ट्रिक प्लग और सॉकेट्स कंडक्टर्स से बनाए जाते हैं ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायरस प्लग टॉप स्विचेस एंड अदर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायस विच पीपल माई टच इंसुलेटर्स का इस्तेमाल जैसे कि रबर और प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर का कवर बनाने के लिए जिसे आप छूते हो और आपको करंट नहीं लगे इलेक्ट्रिक प्लग के ऊपर जो भी कवरिंग है उसमें प्लास्टिक को यूज़ किया जा सकता है ताकि जब लोग उसको छूएं तो उनको करंट ना लगे स्विच में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है वैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिन्हें आप टच करते हैं और आपको करंट नहीं लगे वहाँ पे इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम एक ध्यान देने वाली बात यह है कि

तो यहाँ खत्म होता है आपका चैप्टर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय